बरसात में गांवों में अव्यवस्था को लेकर मुख्य विकास अधिकारी को ग्रामीणों ने दिया ज्ञापन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं भीष्म ठाकुर, YIS न्यूज के माध्यम से। आज हम पहुंचे हैं बिलारी के पास सैसपुर ब्लॉक में, जहां कुछ ग्रामीणों की समस्याएं हैं। यह ग्रामीण रामनगर गंगपुर से आए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम शमशाद अली है। जी, ग्राम रामनगर गंगपुर से आया हुआ हूँ मैं। समस्या ये है मेरी कि मेरे गांव में बरसात का पानी है और इस कदर पानी है कि मेरा आना जाना और मतलब उसमें बच्चे भी मतलब परेशानी में हैं। और दूसरी बात यह है कि मतलब घरों में पानी जा रहा है और इसकी शिकायत हमने ग्राम प्रधान जी से भी करी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी कोई बस की बात नहीं है, ये समस्या आप और कहीं लेके जाओ, मेरे पास मत आ करो बार बार। तो साहब के पास आज एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कहा है कि कार्रवाई शायद करी जाए। मलकान वाल्मीकि हूँ मैं। मेरे मकान के अंदर पानी चला हुआ है साहब, मेरी दीवार भी गिर गई है और मेरे जहाँ पर ढोर बनते हैं उसे पानी खड़ा हुआ है साहब। मेरे फ्लैट में होकर पानी गया है, कम से कम 2 मीटर के लगभग लंबाई में और 1 मीटर चौड़ा नाला हो गया है साहब। मेरी समस्या इतनी है कि मेरे नाती और नातनी उसे पानी में गिर गए साहब और उनके मुँह में मिट्टी भर गई साहब, हाथ पैर में भी चोट लग गई, उसको नजर धुला के साफ किया गया है, लिहाजा मेरे मौके का मुआयना फरमाया जाए। देखिए, जैसा कि हमने बात की और हमने जाना कि ग्रामीणों की समस्या जायज़ है और इन्होंने BDO साहब को लिखित में एक ज्ञापन भी दिया है। मैं आशा करता हूँ BDO साहब जल्द से जल्द इनकी समस्या का निस्तारण करेंगे। मैं भीष्म ठाकुर, YIS न्यूज़ के माध्यम से अपने सहयोगी साथी राजकुमार के साथ, धन्यवाद।